सरकार में हमारी बहन और बेटियां जो है सुरक्षित हैं, गुंडागर्दी नहीं हो। हर चीज हाईवे बनवा दिया, रोड बनवा दिए, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, पैरा मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। अगर अच्छा चुनाव में आप देखें, एक तरफ अखिलेश यादव होंगे, दूसरी तरफ सुब्रत प्रताप होंगे, तब क्या माहौल रहेगा? माहौल वही रहेगा, टक्कर हो रहेगी। मोदी जी का काम सबसे बढ़िया, आज तीन साल खाना खिला रही है, गल्ला दे रही, फ्री दे रही। जैसे कि हम लोग आए कन्नौज का माहौल पता करने के लिए कि कन्नौज में क्या माहौल है, चुनाव आ रहा 2024 का। सबसे पहले ये बताइए, 2024 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसके लिए चुनाव है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या लगता है प्रधानमंत्री जी ने काम कैसा किया? प्रधानमंत्री जी ने काम अच्छा किया और सरकार बीजेपी की बनेगी। सरकार के काम से संतुष्ट? बिल्कुल। राम मंदिर अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, कैसा लगा आपको राम मंदिर बनने पर? सही लगा, अच्छा लगा। कन्नौज में कुछ काम हुआ भाजपा सरकार में? भाजपा सरकार ने काम किया है कन्नौज, काम किया। अच्छा, कुछ लोग अभी हम लोग गाँव में घूम रहे थे तो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी सरकार में काम बहुत ज्यादा हुआ, भाजपा की सरकार में काम ज्यादा नहीं हो पाया, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ देखो, बीजेपी से हम लोग बहुत पहले से जुड़े, इसके बाद सुब्रत पाठक ने अच्छा काम किया और दीदी जी ने काम किया, अर्चना पांडे जो यहाँ की विधायक है, छिबरामऊ की विधायक जी है, उन्होंने काम अच्छा किया। अखिलेश यादव अगर कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तब क्या माहौल होगा? सुब्रत पाठक ने हरा देंगे अखिलेश यादव? बीजेपी की सरकार जो है 24 में तो बन नहीं है सरकार, इसके बाद जो है यहाँ से माहौल जो है अखिलेश जी का डिम रहेगा। अखिलेश जी नहीं जीत सकते, सुब्रत पाठक जीत जाएंगे। अखिलेश जीत पाएंगे कन्नौज से? नहीं जीत पाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं अगर अखिलेश जी कन्नौज में चुनाव लड़ने आ जाएं तो अखिलेश जी सुब्रत पाठक को हरा देंगे? नहीं, इतना है कि भारतीय जनता पार्टी से सुब्रत पाठक ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर टिकट भाजपा काट देती है तब तो कोई दूसरा आएगा, साची जी महाराज जो है आने सोच रहे कि साची जी महाराज आएंगे, तो वो साची महाराज उन्नाव के सांसद हैं, वो यहाँ कन्नौज में अखिलेश को हरा देंगे? बिल्कुल। अखिलेश जी का काम तो कन्नौज में दिखता है, सब कहते हैं, लेकिन फिर समस्याएं क्या रही कि ये समाजवादी पार्टी से लोग भ्रमित हो रहे, मतलब उनको वोट नहीं देना चाहते कि उनके कामकर्ता जो है विधायक हैं, अन्य जो हैं, वे अपना जो है सिस्टम बनाते हैं, आवाम जनता को नहीं, जा सरकार में हमारी बहन और बेटियां जो है सुरक्षित हैं, गुंडागर्दी नहीं होती। पार्टी सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा होती तभी आप लोग त्रस्त हो गए। हाँ, इसीलिए। अब क्या माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर अब बेहतर है, आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल सुरक्षित, हम लोग सुरक्षित हैं, आधी रात को कहीं भी जाएं सुरक्षित रहते हैं। तो चुनाव फंस गया है कन्नौज का भी, भारत का भी? और चुनाव नहीं फंसा है, चुनाव भाजपा जीत रही। बिल्कुल। अब भी बाबा कन्नौज के हैं जी, क्या माहौल है कन्नौज का चुनाव का? वो भाई साहब ने बताया, वो सही बताया, भाजपा जीत जाएगी। कन्नौज से अखिलेश जी सुब्रत पाठक में लड़ाई होती तब कौन जीतेगा? टक्कर हो जाएगी, काटे टक्कर होगी। पाठक जी भारी पड़ेंगे अखिलेश पे कि अखिलेश जी भारी पड़ जाएंगे? अखिलेश भारी पड़ेंगे। अखिलेश का काम अच्छा लगा आपको? कन्नौज जिला में सबसे कम उन्हें सबसे ज्यादा करवाया था, अखिलेश ने करवाया था। अगर वापस से अखिलेश चुनाव लड़ने आते हैं तब क्या माहौल रहेगा? तो सही रहेगा, कुल मिला के टक्कर हो जाएगी, बता दिया आपको, टक्कर हो जाएगी, जीतेगा हारेगा ही नहीं पता, कोई पता नहीं है। जनता सुब्रत पाठक का टिकट काट के किसी और को लड़वा दे तब क्या माहौल होगा? जैसे असीम अरोड़ का नाम चल रहा जो मंत्री भी हैं, और जैसे बाबन बताया साक्षी महाराज हो गए, एक दो लोगों का और नाम चल रहा सतीश पाल हो गए, तो अगर ये लोग लड़ जाते हैं तब क्या माहौल होगा? तो माहौल तो फिर बिगड़ जाएगा जी, सपा फिर जीत जाएगी। समाजवादी पार्टी ने काम यहाँ पे किया है, लेकिन लोग फिर क्यों नहीं कह पाते कि काम हुआ? काम खूब किया उन्होंने, या मेरे क्या ने, हर चीज़ हाईवे बनवा दिया, रोड बनवा दिए, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, पैरा मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, सब अगर काम किया फिर लोग क्यों कहते हैं कि नहीं भाजपा सरकार में ज़्यादा काम हुआ? वो जातवाद का मामला फंस जाता है, इसलिए हम लोग क्या मामला फंस जाता है, इसलिए हम लोग संतुष्ट नहीं है। कन्नौज में काम समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ, भाजपा सरकार में कुछ काम हुआ? जी हुआ है, अभी रोड ये बना है, ये वाला रोड आपका बना है तालीग्राम को जोड़ने वाला, तालीग्राम छिबरामऊ तक जी, ये काम हुआ है। लेकिन दोनों की अगर सरकार की तुलना की जाए तब काम किसका बेहतर? तो काम तो बेहतर जनता के लिए भाजपा का है, भाजपा काम बेहतर। अगर अच्छा चुनाव में आप देखें, एक तरफ अखिलेश यादव होंगे, दूसरी तरफ सुब्रत पाठक होंगे, तब क्या माहौल रहेगा? तो माहौल वही रहेगा, टक्कर हो रहेगी। आप लोग किधर वोट करने जाएंगे, मन बनाया अभी किधर वोट करेंगे, अखिलेश जी को देंगे कि भाजपा को देंगे? अभी कुछ नहीं बनाया हम लोगों ने। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी का काम सबसे बढ़िया, आज का काम अच्छा है, जनता को तीन साल खाना खिला रही है, गल्ला दे रही, फ्री दे रही, और भी सुविधाएं दे रही,
मोदी जी का काम अच्छा है, लेकिन पाठक जी का काम आपको इतना अच्छा नहीं लगा जितना अखिलेश जी का? उन्होंने पाठक जी ने मेरे क्षेत्र में घूमा ही नहीं, कहते पाठक जी आए नहीं आपके संसदीय क्षेत्र में? जीत गए तब तक आए नहीं, एक बार भी नहीं आए। समस्या ये रही आने इसी समस्या की वजह से डिंपल यादव चुनाव हार गई थी, संसदीय क्षेत्र में वो नहीं आती थी, आती नहीं थी वो भी, ये भी नहीं आ रहा है, नहीं आए। अब चुनाव आ रहा है तो पाठक जी अब आते हैं? चुनाव आ जाएंगे तब आने लगेंगे, अभी अभी तो आए नहीं, आने लगेंगे। अखिलेश यादव अगर लड़ जाएं तो क्या दोनों में टक्कर रहेगी, कि मतलब अखिलेश यादव जीत भी सकते हैं? जीत भी सकते हैं, अभी माहौल है, ऐसा माहौल है, कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, अभी टाइम है चुनाव। मैं भी ये एक बात हो रही है कि यहाँ पे सुब्रत पाठक तो कन्नौज के निवासी, वो यहाँ घूमने ही नहीं आते? कन्नौज के निवासी है, जब चुनाव के माहौल पर होता है तभी सांसद जी आते हैं, और इसके बाद जो है यहाँ की जनता जो है बीजेपी से जुड़ी है, और अरविंद विधायक ने कुछ नहीं काम किया था, सांसद विधायक अरविंद यादव जो यहाँ के थे उन्होंने कोई काम आपके छिपरामऊ क्षेत्र में कुछ नहीं किया, इसी वजह से आप उनको वोट नहीं देना चाहते? हाँ, इसीलिए वोट नहीं देना चाहते, और इसके बाद जो है अब पक्षपात की सरकार जो है, जे यादव लोग जो हैं पक्षपात की बात करते हैं, एक जाति को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, एक जात को। चलिए अपने अपने दावे और कुछ लोगों से करते हैं बात।